अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ना तो व्यवस्था चलने देंगे ना ही खुद चलेंगे। और दलितों की स्थिति इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। उनको जान के पिताजी को भी कार्रवाई कर राजस्थान में कि ये जो पैसे आप देते हैं ना, ये दलितों की हत्या का मुआवजा नहीं है। तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगा। आज भी बच्चे पानी नहीं पी सकते, वो आज अधिकार है ऐसी आजादी। पचहत्तर साल आजादी के होने के बाद भी हम आज भी गुलाम बने हुए हैं। मटका फोड़ेंगे और जवाब देंगे कि अब दलितों की इस प्रकार की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो लोग राजनीतिक तौर पर भी हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे, प्रधानमंत्री का कोई मैसेज नहीं आता, अभी किसी स्वर्ण के साथ जरा सा कुछ गलत होता बिल्कुल मैसेज आ जाता। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 5 लाख की एक टुकड़ा दे देती है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे आप देते हैं ना, ये दलितों की हत्याओं का मुआवजा नहीं है। तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगा। और ये अब सब नेता जो दलितों का दम भरते हैं, बहुत सारे नेता पैर धोते हैं, बहुत सारे घर जाकर रोटी खाते हैं। प्रियंका बहन रोटी खाती है, राहुल गांधी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सब बात करते हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अभी तो हमारा ये धरना शुरू हुआ है। आज तो कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों को चेतावनी देंगे, ठीक है। पूरे देश में अब हम धरने पर बैठने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ना तो व्यवस्था चलने देंगे ना ही खुद चलेंगे, बैठ जाएंगे। और राज्यों में जब दलितों के प्रति इस तरह की घटना होती है तो यही कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में और दलितों के साथ अन्याय होगी, लेकिन आज राजस्थान में हुई है, आज कहाँ है वो लोग? देखिए, कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। मनुवाद का मुख्य गढ़ कोई है तो सबसे पहले कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। और दलितों की स्थिति इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। ये अब से नहीं, ये मनु की व्यवस्था को स्थापित करने वाले ही लोग हैं। और अगर ये ऐसे ना होते तो ये लोग जवाब देते, बोलते, लेकिन पूरा राजनीतिक सिस्टम मौन है। लेकिन क्या लग रहा है अभी तक इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या लगता है इस घटना को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। हम जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं, और जब जाग कर सड़कों पर निकलेंगे तो इनको क्या इनके पिताजी को भी कार्रवाई करनी। राजस्थान में इस तरह की घटना का बार बार होना क्या राजस्थान एक मनुवाद का गढ़ रहा है, बड़ा मनुवाद का गढ़ रहा है। और आज क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, इस बात का बड़ा दर्द है। राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को बड़ा दर्द है, इस कारण से वो इन घटनाओं को करने पर उतारू है। अन्याय अत्याचार गैर बराबरी होती है उसके खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगी, मजबूती से जारी रहेगी। और यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम रुकने वाले लोग नहीं है, हम झुकने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, फिलहाल लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती से। लोकतंत्र है और किस तरीके की आजादी है, जहाँ आज भी बच्चे पानी नहीं पी सकते, वो आज अधिकार है ऐसी आजादी। जो है 9 साल के मासूम बच्चे को पानी पीने पर राजस्थान के जालौर में मार दिया जाता है, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और ये जो है आज भी हमारा एक अमृत महोत्सव मनाया गया है। 75वां आज़ादी नहीं है हमारी, 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी हम आज भी गुलाम बने जी रहे हैं। जहाँ पे हमारे बच्चे को पानी पीने का अधिकार नहीं, तो सोचिए दिल्ली जैसे शहरों में हमारी बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है तो क्या बीतती है हमारे ऊपर? आप लोग कहाँ से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं है बिल्कुल। और तो और हम जो है
चंद्रशेखर भाई पहुंचे जोधपुर के एयरपोर्ट पे बहन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या करती है जोधपुर की पुलिस, उन्हें जबरन वहां से गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उनका अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है वे कहां है कहां नहीं है। ये तानाशाही है, हम अपने परिवार से मिल भी नहीं सकते क्या, हम अपने बच्चे को देख भी नहीं सकते, हम अपने परिवार के साथ। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। क्या कहेंगे मैम आप, यहाँ पर प्रदर्शन करने हैं? प्रदर्शन का हमारे बड़े भाई जी को, जो चंद्रशेखर जी का अरेस्ट किया गया है, उनको रिहा किया जाए, और जो गहलोत सरकार ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है जो दलितों के खिलाफ, इसको रोका जाए जी। ये इसलिए हमारा प्रदर्शन, हम विज्ञापन देने आए हैं सोनिया जी को, हम अपना विज्ञापन देकर जाएंगे ताकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी को आज़ाद किया जाए। धन्यवाद।